हेलो फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी अंडे का चाट बनाने का एकदम नया और अलग तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं 5 उबले हुए अंडे ले ली हूँ। अंडे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। तो सबसे पहले हम अंडे को ग्रेट कर लेंगे। तो छोटे जाली वाला ग्रेटर से या फिर बड़े जाली वाला ग्रेटर से, जो भी ग्रेटर आपके पास है उससे अंडे को ऐसे ग्रेट कर लीजिए। ये बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली करिएगा। ग्रेट करते हुए लास्ट में ये अंडे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा बचेगा ना, उसको हथेलियों से दबा करके ऐसे हल्के हाथों से देखिए ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ईजिली हो जाते हैं, तो इनको बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। तो मैं अंडे को ग्रेट करने के लिए छोटे जाली वाला ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी जाली वाला ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, अंडे का लच्छे देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, एकदम छोटे छोटे। तो मैं जो अंडा ली हूँ इसका योल्क एकदम सफ़ेद है, तो इसलिए आपको योल्क पीला नहीं दिख रहा होगा। तो अंडे कई वैरायटी के होते हैं, किसी अंडे का योल्क पीला होता है और किसी अंडे का योल्क सफ़ेद होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी अंडे को मैं ऐसे ही ग्रेट कर ली हूँ और आप देख सकते हैं इनके लच्छे कितने छोटे छोटे हुए हैं, क्योंकि मैं छोटे जाली वाले ग्रेटर से इनको ग्रेट की हूँ। तो जैसा ग्रेटर रहेगा ना, उसी तरह का ये लच्छे बनेंगे। तो अभी इनको साइड में रखेंगे। इधर मैं आधा कप काले चने को 4 से 5 घंटे पानी में भिगा करके रख दी थी, और आप देख सकते हैं चने बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। तो मैं इनको अच्छे से धुल करके छान करके रख ली हूँ। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब इसमें भिगाए हुए काले चने डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। अब हम पैन को सीधे गैस पर चढ़ा देंगे और गैस ऑन करके अभी गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, ऐसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि चने अच्छे से बॉयल हो जाएँ। तो चने को तब तक पकाना है जब तक कि चने अच्छे से कुक ना हो जाएँ। उसके बाद हम इनको छान लेंगे और अच्छे से ठंडे पानी से धुल करके इनको क्लीन कर लेंगे और एक बाउल में रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चने को मैं अच्छे से धुल करके रख ली हूँ, और ये देखिए चने बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, और नमक डालने की वजह से चने एकदम सॉल्टी हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें ग्रेट किए हुए सभी अंडे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही में डाल देंगे उबले हुए काले चने, और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैं 1 प्याज को ऐसे बारीक टुकड़ों में कट कर ली हूँ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा पसंद हो कम या ज़्यादा। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा थोड़ा कम डालिए। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, तो अगर आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं है तो आप 1/2 छोटा चम्मच जीरा लेकर के तवे पर रोस्ट करके कूट करके डालिए। 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे, इससे जो हमारा चाट बनेगा बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। तो इसमें नींबू का रस डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चाट का जान होता है नींबू का रस। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक या काला नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बाय चांस नींबू नहीं है, मतलब कभी कभी घर में नींबू नहीं रहते हैं ना, तब क्या करिए, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर से भी चाट बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपका मन फीका लगे, आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे और कुछ स्पेशल, तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। यकीन मानिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार बना करके जरूर देखिए, बार बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिए, हमारा चाट बन के रेडी है। अब हम इनको सर्व करेंगे एक प्लेट में। तो फिर देखिए ना, बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत यूनिक है। इस तरह से ज़रूर अंडे का चाट बनाइएगा, और बिना तेल मसाले का हमारा बहुत ही डिलीशियस अंडे का चाट बन के रेडी है। आप जिनको भी इस तरह बनाकर सर्व करेंगे, सब लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझसे तो वेट नहीं होता, ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस चाट बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।